शहीर शेख की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे सुनकर आप हो जाएंगे वाओ सो क्यूट। जी हाँ, शहीर शेख ने कहा कि आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव एरिका एज माई को एक्टर हु इज सो हेल्पफुल। आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्टर्स आफ्टर ईगो इशूज इन बिटवीन देम विद देयर को स्टार्स। जी, कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी को एक्टर एरिका है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इशू होता है एटीट्यूड का, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि हाँ मैं कर सकता, लाइक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नो इशूज़। मतलब कि उनके साथ काम करके लगता है जैसे हम फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। तो ये देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस चीज़ का रिप्लाई एरिका कैसे स्वीटली करेंगी। तो इन दोनों के बीच का ये प्यार देखकर तो हमें लाइक अच्छा मन करता है ना कि कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सच में कुछ रंग ऐसे भी होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शहीर शेख की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे सुनकर आप हो जाएंगे वाओ सो क्यूट। जी हाँ, शहीर शेख ने कहा कि आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव एरिका एज माई को एक्टर हु इज सो हेल्पफुल। आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्टर्स आफ्टर ईगो इशूज इन बिटवीन देम विद देयर को स्टार्स। जी, कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी को एक्टर एरिका है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इशू होता है एटीट्यूड का, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि हाँ मैं कर सकता, लाइक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नो इशूज़। मतलब कि उनके साथ काम करके लगता है जैसे हम फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। तो ये देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस चीज़ का रिप्लाई एरिका कैसे स्वीटली करेंगी। तो इन दोनों के बीच का ये प्यार देखकर तो हमें लाइक अच्छा मन करता है ना कि कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सच में कुछ रंग ऐसे भी होते हैं।